लोग एक प्रश्न करते हैं महाराज, ये जो बद्रीनाथ भगवान है ना, सतयुग में भी यहां विराजे हुए थे, यहां तपस्या कर रहे थे, त्रेता में भी नरनारायण विराजते थे, द्वापर में भी विराजते थे, और वर्णन आता है सतयुग में ऋषियों के संग विराजते थे, त्रेता में महात्माओं के संग विराजते थे, द्वापर में भक्तों के संग विराजते थे, और कलयुग में केवल एक भाव से विराज रहे हैं। ठाकुर जी बोलते हंसते नहीं है, लेकिन तीनों युगों में ठाकुर जी बोलते थे। कलयुग में क्या हो जाता है, ठाकुर जी क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं चलते? इसलिए नहीं चलते क्योंकि हम लोगों का स्वभाव ऐसा है। कैसे हैं हम? बोले सत्यम नास्ति, हम असत्य बोलते हैं। आज हम इंसान इंसान से झूठ बोलता है, यदि भगवान चलते फिरते होते, भगवान भी हंसते बोलते, तो एक ना एक दिन हम इतने ज्यादा वैसे हो जाते, हम भगवान से भी झूठ बोलते। सत्यम नास्ति, हम में सत्य नहीं है। और क्या नहीं है हमारे पास? तपह, हम तप करना नहीं जानते, हम भजन करना नहीं जानते। शौचम, पवित्रता नहीं है हमारे भीतर, अपवित्र रहते हैं। हमारे पास सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान करना जानते नहीं है। उदर भरिणो जीवा, मेरा पेट कैसे भरे, बस इसी की खोज में लगे रहते हैं। और बरा का कूट भाषण, गंदी वाणी बोलते हैं, कड़वी वाणी बोलते हैं, इन सब कारणों से भगवान हमारे सन्मुख प्रकट नहीं होते। ये सब ठाकुर जी को प्रिय नहीं है।